शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जिन्ना हॉस्पिटल आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से खाना भी लेकर आईं। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को जिस तरह हॉस्पिटल लाया गया उस पर तशवीश है। मेडिकल बोर्ड ने कार्डिक हॉस्पिटल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। हुकूमत PIC की बजाय जिन्ना हॉस्पिटल ले आई। जिन्ना हॉस्पिटल में कारकुनों की मुठभेड़। नारे लगाने पर शहबाज शरीफ बरहम। हॉस्पिटल में रुक रुक कर कारकुनों को टोकते रहे। चुप हो जाओ, ये हॉस्पिटल है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कारकुनों को चुप कराने की कोशिश। शहबाज शरीफ का जिन्ना हॉस्पिटल में दूसरा रोज। आज इकोग्राफी की जाएगी। डॉक्टर्स की टीम दोबारा तिब्बी मुआयना करेगी। नवाज शरीफ का कमर दर्द ठीक। तमाम तिब्बी सहूलियात से मुतमइन है। ज़ाती मालिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल नहीं कर सकते। मशवरा जरूर हो सकता है। MS डॉक्टर आसिम हमीद की नवाज शरीफ की सेहत के बारे गुफ्तगु। सहूलियात का फुकदान या ख्वाहिशात का एहतराम। नवाज शरीफ को पुरसकून रखने के लिए इंतजामिया की भाग दौड़। कमरे में कुल 32 इंच की LCD लगाई गई। अब पानी गर्म करने के गीजर भी लगा दिए गए। जमानत पर रिहाई। आशियाना में वापसी। खुशगवार लम्हात। शहबाज शरीफ और तहमीना दुरानी की गपशप। मुस्कुराहटों का तबादला। तहमीना दुरानी ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल। ख्वाजा बरादरान की बख्तर बंद गाड़ियों में अदालत पेशी। जुडिशियल रिमांड में 16 रोज की तौसी। 4 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। साद रफीक और सलमान रफीक को पेशी के बाद वापस बख्तर बंद गाड़ी में कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एहलकार बख्तर बंद गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्के लगाते रहे। साठ साल पुरानी बख्तर बंद गाड़ी में लाया गया, ये हमारे साथ ज्यादती है। ख्वाजा साद रफीक फट पड़े। बदसलूकी की जिम्मेदार पुलिस है। गाड़ी में झटके लगने से मेरी टांग दर्द करने लगी। फवाद चौधरी जेल को 5-स्टार होटल कहते हैं। सेल में आकर देखें जहां सारा दिन मुंह पर चूना गिरता है। शहबाज शरीफ की जमानत बड़ा फैसला है। हमें भी जल्द इंसाफ मिलेगा। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। पोलियो का मरीज सामने आना तकलीफ देह है। बच्चे को वैक्सीन की 7 में से 4 डोज लगी। हेल्थ कार्ड का इजरा शुरू हो गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। मियां असलम इकबाल के हमरा सोडीवाल हॉस्पिटल का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। मियां असलम इकबाल का कहना है कि गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों से हर किस्म की अद्वियात हासिल कर सकेगा। समनाबाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी पूरा करेंगे। और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तलबा की मावनत करने में पेश पेश। 20,000 से ज्यादा तलबा को इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए मदद फराहम। टेस्ट में शरीक 2,500 तलबा को एंट्री टेस्ट की मुफ्त तैयारी कराई जाएगी।